देखिए, आपने तो एक अच्छा चीज डाला कि कल फिरोज गांधी की पुण्यतिथि थी, और निश्चित रूप से कुछ भी हो, फिरोज इस देश में कहा जाता है कि सत्ता के खिलाफ, मतलब अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का पहला मुद्दा उठाया। उस हिसाब से भी कांग्रेस यदि चाहती तो ये कह सकती थी, फिरोज गांधी की पुण्यतिथि है, और फिरोज गांधी राहुल गांधी के सगे दादा हैं, मतलब अपने बाप के पिता हैं। तो उस फिरोज गांधी की पुण्यतिथि थी, ये तो यहाँ के जो जितने चमचे बेलचे ये तो कह रहे थे कि प्रियंका वाड्रा, कल भी सुनाया था वो संतोष भरतिया है कोई, कि कह रहा कि अखंड गंजे के साथ बैठ करके कह रहा कि प्रियंका वाड्रा और राहुल रॉबर्ट वाड्रा बिजी है इसके ब्याह करने के चक्कर में। तो ये तो विदेश चला गया था, कम से कम इनके उस मजार पे जाकर के दो फूल भी तो चढ़ा करके आ जाती, जो दुनिया भट्टा परसौल और कहां कहां ये जाते हैं। ऐसा ऐसा नफरत अपने सगे दादा, अपने सगे बाप के बाप से क्यों है? मनीष जी, फूल चढ़ाना भी दूर रहा, मैंने जो लिखा 4 लाख में दर्शकों को पढ़ के सुना दूं उतना ही कर दिया होता। ये फोटो फिरोज जहांगीर गांधी नाम के पारसी व्यापारी नेता का है, और ये राहुल गांधी के बाप का बाप था, यानी राहुल गांधी का दादा था। ये 8 सितंबर को मरा था, यानी कल इसकी पुण्यतिथि थी। लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या किसी कांग्रेसी ने इस अभागे के लिए 2 लाइन का श्रद्धांजलि संदेश तक ट्वीट नहीं किया, इन्होंने ट्वीट नहीं किया मनीष जी उसकी पुण्यतिथि पर। कल पूरा दिन निकल गया 8 सितंबर। तो ये है वास्तव में आदमी अभागा था, और कितना बड़ा अभागा था कि इसका इसका ससुर मनीष जी भारत का प्रधानमंत्री, इसकी बीवी भारत की प्रधानमंत्री, इसका लड़का भारत का प्रधानमंत्री, और इस आदमी के मरण दिन पे यानी 8 सितंबर को किसी ने एक लाइन का ट्वीट नहीं किया, केवल राजनीति के लिए, क्योंकि इसको अपने आप को ये हिंदू ब्राह्मण बता रहा है। तो ये कैसे फिरोज जहांगीर बता दे कि ये मैं इनकी औलाद हूं, यानी उनके वंशज हूं, उनके लड़के का लड़का हूं, सिर्फ ये छुपाने के लिए और एक झूठ पूरे देश को बताने के लिए इस आदमी की आत्मा को इसने कल फिर रौंदा इस गांधी परिवार ने। बिल्कुल, और देखिए यदि आप फिरोज गांधी को देखेंगे तो एकदम से लगता है कि राजीव गांधी इसकी कॉपी थे, या फिर राजीव गांधी का ये कॉपी है। राहुल गांधी का भी चेहरा फिरोज गांधी से मिलता जुलता है बहुत हद तक, भले ही संजय गांधी का नहीं मिले या वरुण गांधी का नहीं मिले, लेकिन राहुल गांधी और राजीव गांधी का मिलता है। ये लोग दिन रात भुनाते हैं कि मेरी दादी ने शहादत दी, मेरे बाप ने दी, मेरा ऐसे हुआ, मेरा बाप मेरी दादी का भजता है, लेकिन दादा का नहीं भजता। ये कमाल की बात है सचमुच। ये बताता, ये छुपाना क्यों है, इससे बचने की कोशिश क्यों है? ऐसा तो नहीं कि कोई अपमानजनक, इन्होंने कोई फिरोज गांधी कोई बलात्कारी थे, कोई मर्डरर थे, ऐसा भी तो नहीं है? कोई चरित्रहीन व्यक्ति था, ऐसा भी तो नहीं? कोई मतलब ऐसा कोई कलंक तो फिरोज गांधी पे नहीं है जो दूसरों पे है? अरे खुद इस पे, इसके ऊपर जितने आरोप लगे, जितने इसके क्रम है, इसके आधे भी नहीं थे। इसको लोग मूर्ख कहते हैं, इसको पप्पू कहते हैं, वो तो उस आदमी को तो आपने बिल्कुल सही याद दिलाया कि नेहरू के भ्रष्टाचार के करतूतों का भांडा अगर किसी आदमी ने हिंदुस्तान में सबसे पहले फोड़ा था तो उस आदमी का नाम फिरोज गांधी था, उस आदमी का नाम फिरोज गांधी था। और इसी बात पर नेहरू नाराज हो गया था, नेहरू ने उसको मरते दम तक माफ नहीं किया। तो वो तो ईमानदार व्यक्ति था, उसकी ईमानदारी की तो आज भी चर्चा होती है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि किस सच को, ये जो कहता ना कि पप्पू नहीं है, सचमुच न सोनिया गांधी आज तक सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कभी नहीं गए। ये समझा, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, ठीक है प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे, लेकिन दादा के पास, दादी के पास जाते हो, उसी जगह पे संजय गांधी की समाधि है यदि राजघाट के बगल में, मतलब संजय गांधी तो कुछ नहीं थे इस देश के, सिंपल एक सांसद थे, तो ये भी सिंपल एक सांसद तो कम से कम लंबे समय तक ये आदमी रहा था, वो भी देश के पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय में। ये बताने के लिए इसलिए जरूरी है कि इनको जो जरूरी चीज है वो भुनाएंगे, इसे छुपाते क्यों? चीन के साथ अपने संबंध जैसे छुपाते हैं राहुल गांधी कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में मनमोहन सिंह को लेकर के गए, घरेलू नौकर की तरह साइड करके रखा, और सोनिया गांधी बगल में चीनी प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर के उपराष्ट्रपति के साथ राहुल गांधी ने बतौर कांग्रेस उपाध्यक्ष के रूप में क्या समझौता किया, वो ऐसे ही छुपाते हैं जैसे फिरोज गांधी से अपने रिश्ते को छुपाते हैं। कमाल की बात। वो इसीलिए क्योंकि हिंदू धर्म, ये आदमी गोत्र बताता है कि दत्तात्रेय ब्राह्मण है, गोत्र दादा से आता है, बाप से आता है, तो इसीलिए कि बाप और दादा छुपाए, कुछ दिन बाद बाप भी छुपाने लगेंगे, गोत्र तो उसी से आता है।